स्वीडनमधील मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. स्वीडनमधील एडविन वॅगन्सफेल्ड नामक व्यक्तीनं जगभरातील मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल त्याला अटक करून शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी मुस्लिम समुदायाकडून करण्यात आली. दरम्यान नाशिकमधील मुस्लिम बांधवांनी शुक्रवारी नमाजाच्या वेळी सर्व मशिदींमध्ये या घटनेचा तीव्र निषेध केला. मध्यवर्ती जहांगीर मशिदीबाहेरही निषेध व्यक्त झाला. पवित्र धर्मग्रंथ कुराण शरीफ हातात घेत हिंदुस्तान जिंदाबाद स्वीडन मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. कुरान जब इंसान पढ़ेगा, इस्लाम पढ़ेगा, हमारा लिटरेचर पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इस्लाम के दामन में आ जाएगा. तो दुनिया खौफजदा है कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है. ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम कुरान को अपना नमूने अमल बनाएं और कुरान के साँचे में ढलने की कोशिश करें. दुनिया तो यही चाहती है कि हम अल्लाह के रसूल से दूर हो जाए, मजहब से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए. तो जब ऐसे हालात होते हैं तो मुसलमानों की जिम्मेदारी बढ़ जाया करती है कि हम कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं. यही एक अहम पैगाम, अहम मैसेज है. ये अपनी कमजोरी का सबूत देते हैं. कुरान ने आज से हजारों साल पहले चैलेंज किया था, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन. अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ. तो ये सूरत तो बना नहीं सकते हैं. कुरान का चैलेंज सुबह कयामत तक के लिए है. तो इस चैलेंज का जवाब ये नहीं दे सकते हैं, न कभी दिया जा सकता. यही वजह है कि ये ऐसी हरकतें करके अपनी कमजोरी का सबूत देते हैं और ये बताते हैं कि मुसलमान ताकतवर है. मैं एक अहम पैगाम आपको दूंगा. हमारा नबी ताकतवर, हमारी किताब कुरान ताकतवर. हम एक ताकतवर नबी के मानने वाले और ताकतवर किताब कुरान के मानने वाले हैं. हम कमजोरों की तरह जिंदगी क्यों गुजारते हैं? स्वीडन हुकूमत के बार बार, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, स्वीडन हुकूमत के ताल्लुक से इससे पहले भी स्वीडन हुकूमत ने इस्लाम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की और अब तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमारे दीनी किताब को जलाने तक उनकी ताकत गई है. हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि वो स्वीडन से आने वाले और स्वीडन से व्यापार का बहिष्कार करें, क्योंकि हिंदुस्तान की 20% आबादी ये मुसलमानों की है और 20% आबादी के लोग जब हिंदुस्तान की हुकूमत से एक एहतजाज करते हैं और इतना करते हैं कि स्वीडन के हुकूमत का बहिष्कार करें और इस बहिष्कार के साथ में. या प्रसंगी जहांगीर मशिदीचे खतीब आणि इमाम मोहम्मद शरीफ, मौलाना नदीम नुरी, सय्यद काजी एजाज, अजीज पठाण, रिजवान खान, असीफ खान, शकील तांबोळी, हसन सय्यद, मुश्ताक शेख, मुख्तार शेख, जऊर शेख, मुस्तफा सय्यद हे उपस्थित होते. भारत सरकारने मुस्लिम समाजाच्या भावना स्वीडन सरकारपर्यंत पोहोचवाव्या अशी मागणी उपस्थितांनी केली. गुड्डू शेख, दिशानुज, नाशिक.